गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू सोम क्लासेस। हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया प्लस स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। आज के सेशन में पोएट्री को लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला, डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएट्री आपने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो, उसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। किसका है भाई ये डस्ट ऑफ स्नो का है, क्लियर है। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कंपोज्ड बाय, यहां पे रिटन ना करके यहां पे आप कंपोज कर लीजिएगा, रिटन ठीक है बेटा, या रिटन ना करके आप कंपोज कर लेना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। कंपोज्ड, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दिस पोयम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग दैट कैन चेंज वन मूड। कह रहा है कि ये जो कविता, यानी कि कौन सा भाई, डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कविता किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया भाई, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसको कंपोजिशन किसने किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। और इस पोयम में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे छोटी छोटी चीजों को हम, छोटी छोटी चीजें कभी कभी हमारे मूड को चेंज कर देती है। जैसा कि इस पोयम में हमने देखा कि पोएट का आधा दिन ऑलरेडी सैडनेस में, दुख में बीत चुका था, बट अ स्मॉल थिंग चेंज हिज लाइफ, एक छोटी सी चीज ऐसी होती है उसकी लाइफ में जो उसके लाइफ को चेंज कर देता है, उसका आधा दिन बचा देता है। कौन सी चीज है पोयम में देख लेंगे हम, ठीक है। द पोएट हैज मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम दैट आर बिलीव टू बी सिंबल्स ऑफ बैड ओमन। कह रहा है कि पोएट ने इस कविता में हेमलॉक ट्री, एक जहरीला पेड़, और क्रो, ये दोनों जो है किस चीज के सिंबल है भाई, ये दोनों बैड ओमन, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो है, अगर मतलब साथ में अगर कभी दिखे तो ये कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये भाई सुपरस्टिशन पर डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ गलत आपके साथ हो सकता है। ये कौन सा, हेमलॉक ट्री और क्रो, दोनों ऐसे सिग्निफिकेंस माने जाते हैं। द पोएट डिस्क्राइब द डार्क डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, बट वेन द क्रो सुक द हेमलॉक ट्री एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट, हिज मूड चेंज्ड सडनली। कह रहा है कि एक तरफ कवि ने इस संसार के भाई खतरनाक भयानक रूप को दिखाया है, मतलब क्या भाई, डार्क, ये जो अंधकार पूरे संसार में छाया हुआ है, देयर इज नो हैप्पीनेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इन सारे चीज को एक तरफ पोएट ने दिखाया है। दूसरी तरफ पोएट ने इस चीज को डिस्कस किया है कि भाई कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो है क्या करती है, हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, बिकॉज ऑफ द नेचर एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट प्रेजेंट ओवर अराउंड द पोएट, पोएट के अराउंड में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उन सब चीजों से पोएट बहुत ज्यादा हताश और परेशान रहता है। बट वेन द हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक ट्री जहां से पोएट क्या कर रहा होता है, पास कर रहा होता है, द क्रो सुक डाउन द ट्री, क्रो जो है उस पेड़ को हिला देता है, एंड डस्ट ऑफ स्नो कैम एंड फॉल ऑन द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो क्या करता है, पोएट के ऊपर फॉल करता है, एंड दिस इंसिडेंट चेंज द मूड ऑफ द पोएट सडनली। दिन भर जो आधा दिन पूरा दुख के कारण दुखी मन फॉर्म में पोएट ने बिता दिया था, उस मूड को चेंज कर देता है कौन, हेमलॉक ट्री, दैट इज द सिंबल ऑफ पॉइजनस, ओके, पॉइजनस ट्री है। क्रो, दैट इज आल्सो सिंबल ऑफ बैड ओमन, ये दोनों बैड ओमन के सिंबल्स है, बट दिस बैड ओमन चेंज द पोएट मूड, यही दो बैड ओमन है जो पोएट के मूड को क्या कर देते, परिवर्तन कर देते हैं। थ्रू दिस पोयम, इस कविता से हम लोग जानेंगे, वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन। हमें पता चलता है इस कविता से, हमने देखा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमेशा बेहतर की तलाश करनी चाहिए। भाई बोर्ड एग्जाम जैसे कि अभी आपका चल रहा है, आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो, परेशान हो, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते चले जा रहे हो, लेकिन इन सब के बीच आपको बेटरमेंट की तलाश करनी होगी, बेहतर की तलाश करनी होगी। यही पोएट भी तो बता रहा है कि वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, वक्त कितना भी जटिल क्यों ना हो, याद रखो जीवन में हमेशा उस बेहतर ऑप्शन को सेलेक्ट करो, क्योंकि वो बेहतर ऑप्शन तुम्हारे लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। We must also remember that nature and its object have the ability to make one happy, come out of the hopelessness. कह रहा है कि एक और बात इस चैप्टर में, इस पोयम में हम लोग देखते हैं कि भाई नेचर, नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि प्राकृत और इसमें उपस्थित जो ऑब्जेक्ट है, ये कि हमेशा एक व्यक्ति को हैप्पीनेस से क्या करते हैं, भर देते हैं, और हमारे ऊपर से जो डार्कनेस है, अंधकार है, जो दुखों का एक लंबा परत छाया हुआ है, अंधेरा सा, उस परत को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। आप इसको अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है उतने ही शब्दों में लिखना है बेटा, बहुत ज्यादा आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संजीवनी बैच 2024 जिसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन की गारंटी। अगर आप क्रैश कोर्स प्लस ब्रह्मास्त्र बैच, इन दोनों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अगर आप ओके करते हो, तो भैया ₹299 में मात्र ये बैच आपको दिया जा रहा है। और इस बैच को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई जो बच्चा यूपी बोर्ड में टॉप करेगा और शुभम क्लासेस का मेंबर होगा, उसी को लखपति बनने का मौका शुभम क्लासेस देगा, एज ए सेलिब्रिटी, एक हीरो की तरह आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें, वन शॉर्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, शॉर्ट आंसर, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084817009। आप इस पे पेमेंट फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, किसी भी माध्यम से पेमेंट करवा सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करिए और 15 मिनट के अंदर आपको बैच से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए भाई, इसी चैप्टर को जब आप इसमें पढ़ा, उससे हम कुछ पोएम्स लाइन लेकर आए हुए हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा इससे कि नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन। तो भाई आंख बंद करके बताइएगा कि पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है पोएट का नाम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, कह रहा डस्ट ऑफ स्नो क्या था, डस्ट ऑफ स्नो क्या था, तो भाई आंख बंद करेंगे क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या था भाई, पार्टिकल ऑफ स्नो था ना, बोलिए, पार्टिकल ऑफ स्नो था, बिल्कुल बिल्कुल भाई। थर्ड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, Who was sitting on the tree? ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ था, तो पोयम में किस बर्ड का नाम जो है मेंशन हुआ है, क्रो का नाम मेंशन हुआ है, कहीं क्रो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चे आते हैं और आप इसको आसानी से टच कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो, किसी तरह की कोई समस्या आपको होनी नहीं है, इस बात की गारंटी रही। अगला दिया है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहां पे खड़ा था, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर द बनियान ट्री, पीपल ट्री। अरे हेमलॉक ट्री की तो बात किया गया है, तो भैया ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, 110% कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस, जो दूसरा पोयम है फायर एंड आइस, उसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देख लेते हैं। फायर एंड आइस, बहुत बढ़िया पोएट्री है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया हुआ है। कह रहा है द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेस द आइडिया दैट वर्ल्ड वुड एंड इन द आइदर ऑफ टू वेज, बाय आइस आर बाय फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता में हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पॉसिबिलिटी दिखाई है कि संसार की समाप्ति दो तरह से हो सकती है, या तो ये संसार एक दिन आइस के कारण
यानी कि कोल्ड ठंड के कारण जो है आइस के कारण खत्म हो जाएगा, या तो एक दिन ये फायर यानी कि आग के कारण खत्म हो जाएगा। दीज आर द टू वेज, यही वो दो तरीके हैं जिस तरीके से पृथ्वी का क्या हो सकता है, एंडिंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर सिंबलाइज द ह्यूमन डिजायर ग्रीड क्रुएल्टी इटीसी। पोएट के अनुसार फायर यानी कि आग किस चीज का सिंबल है, तो ह्यूमन डिजायर मानव की इच्छा का सिंबल है, ग्रीड मानव के लालच का सिंबल है, एंड क्रुएल्टी मानव के द्वारा किया गया क्रूरता का सिंबल क्या है, फायर है। तो पोएट कह रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन डिजायर ग्रीड एंड क्रुएल्टी वन डे वर्ल्ड विल बी एंड, एक दिन संसार इन तीनों चीजों के कारण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, देयर इज नो एंड टू देम एंड दे स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर एंड इंगल्फ योर होल लाइफ। अभी आप लोगों ने देखा कि भाई ह्यूमन बींग्स कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उनको जितना दीजिएगा उनको और चाहिए। ठीक है ना, जंगल काट रहे हैं, ठीक है, अपनी किस लिए, लालच में सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ बर्बाद, नेचर को बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ लालच के अंदर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पोएट ने कहा कि आइस, हाँ, और ये जो तीन चीजें ह्यूमन डिजायर ग्रीड और क्रुएल्टी, ये आग की तरफ फैलती चली जा रही है और एक दिन ये हमारे लाइफ को क्या करेंगे, खत्म करके ही मानेंगे। दूसरी तरफ पोएट ने आइस को किससे सिंबलाइज किया है, सिंबलाइज इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हार्टेड एंड कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप में इनडिफरेंस। ठीक है, हार्टेड जिस तरीके से हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जस्ट वी आर चीटेड ईच अदर, देर इज नो मोरलिटी, देर इज नो सिंबल ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अ सिंबल ऑफ अ ह्यूमन, कुछ भी ऐसा संसार में बचा हुआ नहीं है। हम बहुत आसानी से किसी को चीट करते हैं, बहुत आसानी से हम कुछ भी कर लेते हैं, दैट्स व्हाई पोएट इज टॉकिंग, इसलिए पोएट बात कर रहा है कि एक दिन ये संसार जो है आइस के कारण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द पोएट हैज द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड। पोएट कहता है कि फायर और आइस ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इस पृथ्वी को क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। तो भैया ये दोनों ही ऑप्शन सही है, किसी भी तरीके से पृथ्वी खत्म हो, लेकिन ये दोनों तरीके से पृथ्वी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसको बचाने वाला कोई बचेगा नहीं। No one can help, will be up, इसमें help नहीं कर सकता। इसे एक लाइन दिया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बहुत बढ़िया पैसेज दिया हुआ, एग्जाम में पूछा गया पैसेज है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द एवप लाइन, जल्दी से बता दीजिए स्पीकर कौन है। तो भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही तो इस पोएम को नरेट किया हुआ है, तो पोएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, स्पीकर के ओपिनियन में जो है संसार किस चीज के कारण खत्म होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, तो इसके ओपिनियन में संसार को कहता है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सबसे पहले ये वर्ल्ड को प्रायिकता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, फायर। व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, यहाँ पे फायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंट एंड डिजायर, पैशन, ज्वेलिटी, जल्दी से बता दीजिए भाई किस चीज को फायर यहाँ पे कर रहा है, वैलेंट एंड डिजायर, पैशन, ज्वेलिसी, ऑल ऑफ दी अबव होगा क्या, सबकी बात कर रहा है क्या, बिल्कुल भाई सबकी बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। What do you mean by hold? Hold का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। Hold का मतलब यहाँ पे क्या, बता दीजिए, पहले भी मैं डिस्कस करा चुका हूँ, बस फटाफट बता दीजिए hold का मतलब यहाँ पे क्या है। जी पैसेज में देख सकते हो, आई होल्ड विथ दोस माने क्या हो गया बेटा, सपोर्ट करना। ठीक है, क्लियर है,
आगे चलते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ भाई, अब टाइगर, अ टाइगर इन द जू, अब सेंट्रल आइडिया हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, अ टाइगर इन द, अ टाइगर इन द जू, ठीक है। इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इन दिस पोयम अ टाइगर इन द जू, द पोएट ट्राइड टू डिस्पाइट द पुअर कंडीशन ऑफ अ कैज टाइगर। इस कविता में पोएट ने उस बेचारे टाइगर के बारे में बताया है जो कि पिंजड़े के अंदर बंद है और उसकी स्थिति बहुत ही भयानक है, ठीक है ना। किसी की आजादी को आप छीन ले रहे हो, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई। तो एक टाइगर की आजादी किस तरीके से लोगों के द्वारा छीनी जाती है, इस कविता में चीज को डिस्कस किया गया है। He contrasts and compares the life of a cage tiger with a tiger living in natural habitat. That is a jungle. पोएट ने कंट्रास्ट किया है एक पिंजरे के अंदर बंद टाइगर को और एक वो टाइगर जो कि जंगल के अंदर क्या कर रहा है, एकदम खुले विचारों से घूम रहा है, फिर रहा है। पोएट ने इन दोनों को एक साथ क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। थ्रू द पोयम, इस कविता के अनुसार द पोएट ट्राई टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लाइव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। पोएट के अनुसार वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर जो हैं बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाई जंगलों में आजादी के साथ घूमने फिरने के लिए और अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपने तरीके से, नॉट फॉर अ क्लोज इन द केज, पिंजरे में बंद करने के लिए इनको नहीं बनाया गया है, ठीक है। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बींग्स। और आपको याद रखना चाहिए कि आजादी जो है हर व्यक्ति के द्वारा, हर लिविंग थिंग्स के द्वारा, हर सजीव वस्तु के लिए लाइफ आजादी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ कैप्टिविटी ब्रीड रेज इनटू लॉरेंस एंड स्ट्रेस, कह रहा है कि इस तरह से अपने जीवन को बंधनों में जीना, किसके, टाइगर को, उसको बांध के रखना, तनाव में रखना। इमेजिन करो तुमको कोई पिंजरे में बंद कर देगा, तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे पावर सारे छिन जाएंगे। तो बेटा हाउ यू कैन सपोर्ट, किस तरह से आप उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी सारी चीजें हैं, इन सारी चीज आगे दिया है। ही स्टॉक्स इन हिज विप्ड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिच, ठीक है। इस चैप्टर से स्टेंजा लिया गया इस पोएम को और पोएम के स्टेंजा को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला, हु इज द पोएट ऑफ द, इस कौन इसको लिखा है, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। टाइगर इन द जू के पोएट कौन है, फटाफट आंसर करिए भाई, एकदम आंसर करिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। चलिए कौन है भाई, लिजल नॉरिस, गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, इसमें से कौन सा केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है, टाइगर की बात हो रही है तो बिना कहे कुछ टाइगर को आप लोग क्या कर लोगे, टिक कर लोगे, ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर, टाइगर के पैड्स जो हैं किस तरीके के हैं, जल्दी से बता दीजिए। What is the title of the poem? Poem का टाइटल क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, A Tiger in the Zoo, ऑप्शन नंबर सी। देखा, बहुत आसान आसान इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन लेके अपने आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, इजिली चीजों को लीजिए, हार्डली बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हो क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया आपका, देख लेते हैं भाई सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक है। अगला पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड
एनिमल, ये भी बड़ा अच्छा पोयम है, देख लो इसको भी। दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट सम ऑफ डेंजरस वे टू आइडेंटिटी वाइल्ड एनिमल्स, कह रहा है कि इस कविता में हमें यह बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है जंगली जीवों को पहचान कर सकते हैं। कुछ खतरनाक तरीके बताए गए हैं, बट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एंटरटेनिंग द पोएम इज इंफॉर्मेटिव एज वेल, भाई एक तरह से ये एंटरटेन से भरा हुआ पोएम है और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ कि भाई क्यों कौन से जानवर को पहचानने का क्या तरीका है या किस तरीके से हम जानवर को पहचान सकते हैं, इससे अच्छा भाई पोएम उस पर बन ही नहीं सकता था। इट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द वेरियस एनिमल विथ जेंटल ह्यूमरस ह्यूमर, कह रहे हैं कि इस कविता में जानवरों के भाई एकदम उन कैरेक्टर के बारे में बात किया है जिससे कि हम उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फ्रीशियस एंड द फियरफुल एनिमल इंक्लूडिंग एन एशियाटिक लायंस, द बेंगोल टाइगर, द लिपर्ड, द बियर, द हेना, द क्रोकोडाइल एंड द चैम्बलोंस इन एन अज्यूमिंग मैनर। पोएट ने इस तरीके से कुछ जानवरों के आइडेंटिफिकेशन पोएम में एक्सप्लेन किया है, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द एशियन लायन, एशियाटिक लायन को हम लोग एशियन लायन को किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बंगाल टाइगर को पहचानने का क्या तरीका है, लिपर्ड को पहचानने का क्या तरीका है, बियर को कैसे हम पहचान सकते हैं, हेना को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्रोकोडाइल को पहचानने का क्या तरीका है और चैम्बलोन को पहचानने का क्या तरीका है, इनके क्या स्पेशल कैरेक्टर है जिसके थ्रू हम इनको इजीली पहचान सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द वेरियस एनिमल विथ जेंटल ह्यूमर, कह रहा है कि इस कविता में हमें इन जानवरों के कुछ अलग अलग तरीके बताए गए हैं जिससे कि हम इन जानवरों को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। See indicates that these animals can be recognized by their habit, qualities, natural habit and style of the living. Poet कहना चाह रही है क्या भाई किस तरीके से हम इन जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या इनका हैबिटेट का तरीका है, स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है। पोएट ने बखूबी जो है अपने इस कविता में उनकी क्वालिटीज को, उनके आदत को, हैबिट यानी कि एंड उनके हैबिटेट को, उनके लिविंग को क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है बेटा, इसका भी आप सेंट्रल आइडिया मेंशन कर लोगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं। सेंट्रल आइडिया, अब भाई एक पोयम है अमांडा, एक पोयम है अमांडा, तो अमांडा का बहुत बढ़िया ये भी पोयम है, एक मैसेजफुल पोयम है। अक्सर हमारे घर में हमारे मम्मी पापा जो हैं हमको डांटते रहते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, कुबल निकाल के मत बैठो, इस तरीके से दांत फाड़ के मत हंसो, इस तरह के कपड़े मत पहनो, उस तरह के कपड़े मत पहनो, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पेरेंट्स हमको टोक टोक कर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कविता है बेटा अमांडा, उसमें भी एक माँ जो रहती है वो अपनी बिटिया यानी कि अमांडा को क्या करती है, उसके गलत कामों के लिए डांटती है। कहते हैं बचपन में बच्चों को डांटा जाता है ना, नाक पे उंगली मत कर मत कर, कहते कविता थी याद है, नाक में उंगली मत कर, कान में उंगली मत कर, है इस तरह की कविता थी ना, उसमें बताया जाता है कि भाई बहुत कुछ जो बैड हम लोग के द्वारा गलत काम बचपन में किए जाते थे, गलत मतलब कि वो काम जो करने नहीं चाहिए हमको, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, ऐसे कभी घुट पे बैठ जाते थे तो हमारे पेरेंट्स डांटते थे, हमने अगर गलती से बचपन बच्चे क्या करते हैं अपनी उंगली को कान में डाल लेंगे, नाक में डाल लेंगे, तो पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि नहीं डालते बेटा, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो सेम उसी प्रोसेस पे एक ये पोएम जो है सेट किया गया।
अमांडा इज अ पोयम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है ना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विचारों को एक तरीके से इस पर रिप्रेजेंट किया गया है किस कविता में, कौन सी कविता, अमांडा में। द पोयम टेल अस अबाउट अ लिटिल गर्ल, कविता हमें एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताता है जिसका नाम रहता है अमांडा। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली बींग कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबली बाई हर मदर, उसको लगातार लगातार और निरंतर तरीके से डांट सुनना पड़ता है, किसके द्वारा, अपनी मां के द्वारा, उसकी मां उसको बराबर डांटती रहती है। बट शी इज लॉस्ट इन हर ऑन वर्ल्ड, लेकिन वो अपने ही संसार में खोई रहती है। इतना उसकी मां उसको डांटती है, इतना डांटती है कि उसने खुद का एक अलग सा गोला बना लिया था, एक अलग सा इमेजिनेशन वर्ल्ड बना लिया और उसी संसार में, काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करती है। द फ्रीक्वेंट इंटरफ्रेंस मेक हर वेरी अनहैप्पी, कह रहा है कि ये जो उसके माँ का बार बार उसको डांटना और इस तरीके से हर चीज में रोक टोक करना, ये सारी चीजें उसको एकदम से परेशान कर दी थी, झकझोर के रख दी थी, इसलिए वो कभी भी अपने आप को खुश नहीं देख पा रही थी। सी वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड ड्रीम ऑफ लीडिंग द लाइफ ऑफ अ मरमेड इन द इमर्ल्ड सी वेयर सी इज द वनली इनहैबिटेंट, कह रहा है कि वो इन सारे रोक टोक से, जितने भी रिस्ट्रिक्शन उसके लाइफ में लगे हुए थे, इन सारे रोक टोक से क्या करना चाहती थी, फ्री होना चाहती थी, वो एक मरमेड का जीवन जीना चाहती थी। मरमेड माने जलपरी होता है, तो कह रहा है कि वो जलपरी की तरह अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहती थी। इट डिडंट want anyone else in his life, अपने life में किसी तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहती थी। हाँ, वो चाहती थी कि अकेले, जहां पे कोई ना हो, उस जलपरी की तरह समुद्र में जो है अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत करे और पूरी तरह से वो खुश भी रहेगी, ठीक है, ऐसा वो कल्पना करती है। She feels that an orphan has more freedom than her. उसको ऐसा महसूस होता है कि भैया एक अनाथ बच्चा भी उससे ज्यादा फ्रीडम रहता होगा, कम से कम वो खेल तो लेता है अपने मन से, वो अपने मन से कुछ कर तो लेता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अमांडा ये सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसकी माँ उसको बार बार हर छोटे छोटे चीज के लिए क्या करती है, डांटती है। अमांडा नाखून न तोड़ो, नाखून को दांत से मत काटो, अमांडा झुक कर मत बैठो, अमांडा जूते साफ करो, अमांडा ये करो वो करो, तो भाई अमांडा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हताश और परेशान थी, ठीक है। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, और अंततः ये होता है कि वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ क्या कहती है इस चीज पे फोकस ही करना नहीं चाहती है, बिल्कुल भी उसको अटेंशन नहीं देती है। द पोएट दस अरेस्ट अशर दैट पेरेंट मस्ट गिव सम फ्रीडम टू द ग्रोइंग चिल्ड्रेन, तो पोएट ने इस कविता में बताया है कि भाई पेरेंट्स को, यानी कि गार्जियन को, माता पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को जो कि धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उनको फ्रीडम देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर इस तरह का द्वेष, इस तरह का जो है नफरत ना फैले, ठीक है। कॉन्स्टेंट स्कॉल्डिंग में एडवर्सली अफेक्टेड अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बार बार किसी बच्चे को डांटना हो सकता है कि उसका जीवन इससे बहुत ज्यादा क्या हो, प्रभावित हो, और उल्टा आप सही काम के लिए डांट रहे हो लेकिन वो बच्चा क्या हो जाए, परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, और इस तरीके से आप उसके अंदर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आ पाएंगे। एक दिया, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ये पोयम से कुछ लाइंस दिए हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज गेटिंग ऑल दिस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन किसको दिए जा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए किसको ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो भैया एक ही तो कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अमांडा, तो अमांडा को ही दिए जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स, अमांडा अपने नेल्स के साथ क्या कर रही थी, पेंटिंग, कटिंग, बाइटिंग या नन ऑफ दिस, जल्दी बता दो, फटाफट आंसर का रिप्लाई करो, क्या कर रही थी दांत से, नाखून को दांत से क्या कर रही थी, बोलो भाई, बीटिंग कर रही थी क्या,
कर लीजिएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लचिंग? स्लचिंग का मतलब क्या हो जाएगा बता दो भाई. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पोयम जब पढ़ा था तब भी बताया था. फटाफट बता दीजिए. चलिए क्या हो जाएगा? बेंड लाइफ डाउन, बेंड बैकवर्ड, सिट इन लेजी वे, एक आलसी तरीके से खुद को एडजस्ट करके बैठना. ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में बस. भाई आज के इस सेशन में इतना ही. कैसा लगा आज का सेशन बेटा, जरूर आप लोग बताएंगे. उससे पहले मैं बता दूं, संजीवनी बैच 2024 के अंतर्गत जो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2024 में जो बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए ये तैयारी हो रही है. 4 मार्च की भाई अंग्रेजी का पेपर है बोर्ड का, बिल्कुल लगे रहिए. और जितनी भी चीजें बची रहेंगी लास्ट में जो 2 दिन है आपका, यानी कि 2 मार्च की क्लास और 3 मार्च की क्लास, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी. अभी से बता रहा हूं इसको, भयंकर रिवीजन क्या समझो कि इस दिन पूरा कंफर्मेशन करने हैं. अभी जो इससे पहले की क्लासेस अभी जितनी हैं आपकी 3-4 क्लासेस, उसमें भी सब कुछ डिस्कस करना है. तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट डिवीजन की गारंटी है सिर्फ 100 छात्रों के लिए. क्रैश कोर्स प्लस ब्रह्मास्त्र बैच, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 299 रुपए में. ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है. ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084817009. पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप कर सकते हो करो. ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं कि जुड़ना क्यों जरूरी है. जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो शुभम क्लासेस के ऑफिशियल मेंबर है उनको ही बेटा मौका मिलेगा क्या करने का, लखपति बनने का. हो सकता है कि जो बच्चा जुड़ा ना हो वो उससे ज्यादा नंबर लाए, तो उस कंडीशन में आप लखपति नहीं बन सकते, आप एज अ सेलिब्रिटी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे. तो भाई जुड़ना इसलिए आपका जरूरी हो जाता है. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस. आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी. एसएसटी में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेटा जरूर बताना, ठीक है, ताकि जो भी आप लोग के डाउट्स हो वो अच्छे से क्लियर किए जा सके. तो आज हम लोग करने वाले हैं बेटा एसएसटी के मॉडल पेपर. लास्ट टाइम पे आप लोग जितना मॉडल पेपर सॉल्व करोगे उतने ही आप लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे. और हर क्वेश्चन जो है, क्योंकि हर क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू भी मिलते हैं, है ना, हर डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू मिलते हैं आप लोगों को, जो कि उसका भी आंसर आप लोगों को पता चल जाता है. प्लस कितने टाइप्स के लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लॉन्ग के क्वेश्चन कब कहां किस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछता है, वो सारे पैटर्न जो है वो मॉडल पेपर में समझ में आता है. तो आज की क्लास में हम लोग एसएसटी के मॉडल पेपर करने वाले हैं. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें क्लास को. इसमें इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन ये है कि पेपर जो होता है वो 2 खंड में बटा होता है, अ और ब. अ में क्या होता है कि 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, ठीक है, एक एक नंबर के 20 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे. सही है तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, नहीं मिले नहीं रहेगा तो एक एमसीक्यू पे एक नंबर कट जाना है. ठीक है, खंड ब में आप लोग के आ जाते हैं लघु उत्तरी और दीर्घ. लघु उत्तरी जो कि 80 नंबर का होता है, सॉरी 80 वर्ड्स का होता है, 80 नंबर नहीं बेटा 80 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है. और जो है दीर्घ होता है वो 150 शब्दों में लिखना होता है. फिर आ जाता है लास्ट हमारा क्या आ जाता है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. ठीक है, मैप अभी जब फिल करते हैं आगे तो बताएंगे. ओएमआर शीट को भरना भी होता है 20 नंबर का. मैं इससे पहले भी मॉडल पेपर में बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ कि जो ओएमआर शीट होता है, ठीक है, ऐसे दिया रहता है ना ए बी सी डी ए, ऐसे बहुत से बच्चों को आता भी होगा, है ना, आ गया होगा ये. अगर ए भरना है तो ये पूरे ब्लॉक को ऐसे फिल कर देना है, ठीक है, ऐसे नहीं भरना है, या तो फिर ऐसे नहीं भरना है या तो फिर ऐसे नहीं, ठीक है. ये सारे रॉन्ग हैं और ये करेक्ट है. आगे बेटा यहां तक की बातें, तो स्टार्ट करते हैं.
आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी, किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई वियना कांग्रेस में। पहला है हैंसवर्ग, आर्लिया, बुर्बो या तो फिर जारशाही। जारशाही, फटाफट आंसर दीजिए भाई, आप लोग रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए भाई, फटाफट रिप्लाई करते रहिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, ख, बुर्बो वंश, ठीक है। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, 1927, 1931, 1921 या 1929, किस सन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो 1931 ईस्वी में। आके आते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है, इसमें से कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो मित्र राष्ट्र में शामिल हैं। पहला है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। घ है इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बेटा, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है, शब्द नहीं बेटा देश होगा, है ना, देश होगा, ठीक है, शब्द नहीं होगा, देश, ठीक है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है, कौन सा है भाई, श्रीलंका, पाकिस्तान, युगोस्लाविया या वेल्जियम, कौन सा है, जहां पर सत्ता की साझेदारी जो है बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई देती है, सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती है, वह कौन सा देश है, बताइए भाई। इसको मैं करा भी चुकी हूँ, क्वेश्चन भी, टॉपिक भी जब आया था तब भी मैं समझाई थी कि सत्ता की साझेदारी कहां पर है भाई, सत्ता की साझेदारी प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेल्जियम में है, है ना, बेल्जियम में ये ना, उसको चार बार संशोधन किया गया था उसके संविधान में। संघनात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। कहां पर होता है बेटा, संघनात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन, जो जिसके सबके अपने अपने राइट्स होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने जो अधिकार होते हैं उनको कैसे विभाजन किया जाता है, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य, है ना, केंद्र और राज्यों के मध्य में ना उनके अधिकारों को दिया जाता है, उनके राइट्स को। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, भारत जो हमारा देश है, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उसमें यहाँ का आधिकारिक धर्म कौन सा है, यहाँ पे कौन सा धर्म है, हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म या कोई नहीं। ये तो सबसे वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे भारत देश का कोई धर्म ही नहीं है ना, कोई धर्म है भारत देश का, कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, नहीं है, वो गाना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बस वही। तो यहाँ पर कोई भी किसी का कोई अधिकारी धर्म नहीं है, हर कोई फ्री है अपने धर्म को मानने के लिए, हर कोई स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई किसी के ऊपर किसी धर्म को थोप नहीं सकता। यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम मिला हुआ है कि आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपनाओ, कभी कोई तुमसे कुछ सवाल नहीं पूछने जाएगा कि तुमने उस धर्म को क्यों अपनाया, तुमको जिस धर्म का मन उस धर्म का प्रचार प्रसार करो, कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है बेटा। सामाजिक उपलब्ध नामक उपबंध, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर या तो फिर दीदरो, कौन था भाई,
फटाफट बताइए भाई कौन था? सामाजिक उपबंध। तो सामाजिक उपबंध का लेखक था बेटा रूसो। रोलर एक्ट का पारित हुआ था 1918, 1919, 1920, 1921। तो बताइए रोलर एक्ट कब पास हुआ था? रोलर एक्ट कब पास हुआ था? बताइए, आंसर दीजिए। ये हुआ था बेटा 1919 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन, लंदन, टोक्यो या तो फिर जेनेवा, कहाँ पर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? देखिए लंदन में है नहीं, टोक्यो में है नहीं, वॉशिंगटन नहीं, जेनेवा में। ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1919, 1990, 1992 में या 2004 में? किस सन में हुई थी भारत में पंचायती राज की स्थापना? पंचायती राज की स्थापना किस सन में हुई थी भाई, बताइए? 1992 में हुई थी। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर का विस्तार है? 30, 27, 53, 43। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर है जो 43%। चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1952 में, 1964 में, 1972 में या 1984 में? कब चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था, बताइए? 12वें का आंसर दीजिए फटाफट सब लोग। सॉरी, 1952। ठीक है, 1952 है ना, 1952 में। ठीक है बेटा, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? जल के संग्रहण की कौन सी ऐसी विधि है जो राजस्थान में प्रचलित नहीं है? किसमें पूछ रहा है? निगेटिव में पूछ रहा है। हमें आंसर किसमें देना होगा? निगेटिव में ही। टाका, खादिम, जोहड़ या गुल, है ना? 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा गुल। ये जल संग्रहण की विधि वहां पर प्रचलित नहीं है। ठीक है, नहीं में आंसर पूछ रहा तो हमें नहीं में ही है आंसर भी देना होगा। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा, बिहार व झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश। यहाँ क्या पूछा है? निर्धनता, निर्धनता मतलब होता है गरीबी। ठीक है, प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? निर्धनता मतलब क्या होता है बेटा? गरीबी। तो ऐसे राज्य कौन से हैं? बताइए 14 का, बिहार और उड़ीसा। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का, लौह अयस्क का, सोने का या तांबा का? किसका है भाई? 15वां क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, यह है अभ्रक का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? व्यय, उत्पादन, वितरण या विदेशी निवेश? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनके द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनके द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो उनके द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं विदेशी निवेश। एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जाति समूहों में संघर्ष था। एशिया के कौन था वो दो देश जहां पर क्या हो रहा था? जाति और भाषाई, मतलब भाषा के लिए और जाति के लिए, इन दोनों के लिए ही आपस में हमेशा मतभेद होता रहता था, हमेशा संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कौन से हैं?
क है श्रीलंका और लेबनान, भारत और चीन, मलेशिया और यमन, पाकिस्तान और ईरान। तो ये सारे देश नहीं है बेटा, ये है श्रीलंका और लेबनान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में क्या नहीं है? पुलिस भी है, सिंचाई भी है, कृषि भी है। ये तीनों जो है राज्य सूची में है, लेकिन मुद्रा क्या है, ये राज्य सूची में नहीं है। ये किसमें हो जाएगा? यह केंद्र सूची में हो जाएगा ना, संघ सूची में। आगे आते हैं, भारत में हर दल को कहां अपने आप को पंजीकृत करवाना पड़ता है? योजना आयोग में, संसद में, संघ लोक सेवा आयोग में या चुनाव आयोग में? भारत में हर दल, जितने भी पार्टियां होती हैं, ठीक है, जो पार्टीज होती हैं, उनको कहां पर अपने आप को पंजीकृत कराना होता है, वो कहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं? तो वो चुनाव आयोग में रजिस्टर करवाते हैं ना, चुनाव आयोग में। नहीं कहते हम लोग देखो चुनाव आयोग का जो भी फैसला हो, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड चुनाव आयोग में करवाते हैं। समझ में आया बेटा? विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, निजी क्षेत्र। विनिर्माण मतलब किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है, किसी चीज का निर्माण, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ने से अगर हम चीनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, निर्माण विनिर्माण उसका कर रहे हैं ना, गन्ने से चीनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं या गन्ने से गुड़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कपास ले लो, कपास से अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वह हो विनिर्माण हो गया। और विनिर्माण किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में, है ना, ये कहां पे आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। अच्छा, यहाँ लास्ट क्वेश्चन था क्या? देखे ही नहीं, ठीक है, यहां से यहां तक बेटा 20 क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू कितना हो गया? 20 क्वेश्चन। और आप लोग फटाफट रिप्लाई दीजिए कि 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फटाफट सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए कि 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए खंड ब हमारा आ गया, खंड ब हो गया हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो यहां बताना है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो फ्रांस की, इसमें दो क्वेश्चन रहेगा बेटा, या तो ये करो या तो ये करो। तो फ्रांस की क्रांति, दो संयुक्त शासन व्यवस्था, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। सामाजिक असमानता, वहां समाज में क्या था, फ्रांस में सामाजिक जो थी अब समानता थी, वहां पर जो समाज है वो, मतलब वहां पर लोगों में भेदभाव किया जाता था, ठीक है, इसलिए वहां पर क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। आगे है, अथवा में लिखना है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए तीन प्रकारों के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से तीन प्रवाह थे? पहला था व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। व्यापार का प्रवाह, भारत का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ हमेशा ही व्यापारिक संबंध रहा है, यहां से व्यापार का प्रवाह क्या है? व्यापार मतलब क्या होता है? किसी चीज का बिजनेस करना। तो जो हमारा भारत देश है वो अपने जो भी अगल बगल पड़ोसी देश हैं उनको क्या कहता है, जो अगल बगल वाले देश हैं उनको अपने यहाँ से माल का आयात और निर्यात करने के लिए हमेशा वो रेडी रहता है कि हम जो है दूसरे देशों को सामान भेजेंगे भी एक्स्ट्रा अगर सामान है, और वहां से सामान को मंगाएंगे भी, ठीक है। निर्यात 5 से बढ़कर 35% तक हो गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए नील का व्यापार भी बड़े पैमाने पर था, जिसका आयात होता था। अफीम की कृषि, अफीम को चीन में निर्यात किया जाता था, मतलब यहाँ पर क्या है हमारे देश में, जैसे कपास है, पटसन है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होता है ना, जूट है, रेशमी वस्त्र है, ये सारे चीजें क्या है, ये दूसरे देशों को भेजा जाता है। तो ये व्यापार का प्रवाह है। दूसरा आ जाता है हमारा श्रम का प्रवाह। 19वीं शताब्दी में विश्व के कई देशों ने भारत के मजदूरों को बागानों, खद्यानों और श्रम का प्रवाह, श्रम मतलब जो श्रमिक होते थे, ठीक है, उनको क्या किया गया कि हर जगह, हर क्षेत्र में उनको रख दिया गया, ताकि बेरोजगारी जो है वो
बढ़ने ना पाए, मतलब हर श्रमिक जब वो काम करेगा तो उसके काम का जो पैसा दिया जाएगा उससे क्या होगा, उससे वो अपना घर चला सकेगा। इससे क्या होगा बेटा कि इससे जो है वो बेरोजगारी जो है वो बढ़ने नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये श्रम का प्रवाह था। फिर है पूंजी का प्रवाह। शिकारीपुरी श्राफ और नाटकोई चेटियार उन सभी बहुत सभी बैंकरों और व्यापारियों में से एक थे जो मध्य दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। अब ये क्या था, पूंजी का प्रवाह। ये लोग क्या हुए कि ये लोग अपनी एक संस्था बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपनी एक संस्था बनाया और उसमें क्या किया कि वो लोग कृषि कार्यों के लिए ऋण देते थे। कृषि कार्यों के लिए ऋण इसलिए देते थे बेटा, लोन इसलिए देते थे क्योंकि जो किसान थे उनके पास बहुत पैसे तो थे नहीं, वो गरीब होते थे और उनको खेतों के विकास के लिए, खेती करने के लिए पैसा चाहिएगा। तो उतना पैसा अगर उनके पास नहीं रहता था तो ये जो नई संस्था स्थापित हुई ये क्या करती थी कि जो किसान भाई हैं उनको, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन ऋण देती थी, जिससे कि सभी जितने भी किसान हैं उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा उठा सके। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रवाह हैं, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। फिर भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। यहाँ पर हमारे भारत में क्या है कि जो वन है वो आर्थिक रूप से संपन्न है, बहुत है, बहुत ज्यादा वन है। पर्णपाती वनों की अधिकता, यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वन क्या होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं कि जब शुष्क ऋतु आती है ना तो वो अपने पेड़ों की पत्तियां पूरे गिरा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब बसंत का मौसम आता है, ठीक है, जब पतझड़ का मौसम या बसंत का मौसम आता है तो आप लोग देखोगे कि इस समय जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, इस समय जितने भी पेड़ हैं वो अपने पत्ते पूरे गिरा देते हैं। फिर उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्ते फिर से उसमें आने लगते हैं। तो ये मतलब ये क्या नेचुरल चीजें हैं कि हर बार यही होता है कि हर बार वो अपने पेड़ से पत्तों को छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब उनके जो पत्ते हैं पूरे झड़ जाते हैं और फिर से नए पत्ते जो हैं पनपने लगते हैं। वन्य जीवों से समृद्ध वन भारतीय वन, वन्य जीवों से समृद्ध वन कौन सा है, भारतीय वन, कि जो वन्य जीव है, जैसे जो वन होते हैं बड़े बड़े जंगल होंगे ना, आप वहां पर देखोगे कि वन्य जीव ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जितने भी जंगली जानवर है कहाँ मिलते हैं, जंगलों में ही मिलते हैं। तो जो जंगल है, ठीक है, जो हमारे देश, हमारे प्यारे भारत देश का जो जंगल है वो किससे भरा हुआ है, वो वन्य जीवों से भरा हुआ है। वन में चले जाइए आप लोग को तरह तरह के वन्य जीव, पशु पक्षी सब कुछ मिलेगा, है ना। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रजाति विविधता, भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में वन प्रबंध को तीन भागों में विभाजित किया गया है। भारत में जो वन प्रबंध है उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, पहले है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है वहां आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये जो आरक्षित वन होते हैं उनको क्या माना जाता है, बहुत अधिक मूल्यवान वन माना जाता है। रक्षित वन, देश के कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित मतलब उनके रक्षा की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, उनके लिए प्रोटेक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है, उनकी रक्षा के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, वो रक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। अवर्गीकृत वन, सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। उसका स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है, व्यक्तियों का होता है और समुदायों का होता है, उस पर उनका स्वामित्व होता है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं।
जाते हैं, ठीक है। अवर्गीकृत मतलब कोई कहीं भी जा सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होता है। आरक्षित एवं रक्षित वनों का संरक्षण इमारती लकड़ी आदि के लिए, मतलब इमारती लकड़ियां क्या होती है, इसमें से बहुत बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि इमारती लकड़ियां क्या होती है, जिससे इमारती लकड़ियां, जिससे मतलब फर्नीचर के जो काम किए जाते हैं, ठीक है, वो इमारती लकड़ियां होती हैं, जो ईंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो आदि के लिए। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ये ज्यादा से ज्यादा कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर या तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग ये देख लीजिए कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर, ठीक है, या फिर अथवा पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके दो महत्व बताइए, ठीक है। ऐसे रहेगा, आज के जो मॉडल पेपर है उसमें आप लोगों को जो लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है उसमें विद सॉल्यूशन के साथ दिया है, आप लोगों को उसका आंसर भी यहीं पे मिल जाना है, ठीक है। तो पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल उत्पादन, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको द्रव पदार्थ में बदलकर पाइप के माध्यम से जगह जगह पर पहुंचाना, ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में बताना कि परिवर्तित करके पाइपलाइनों के द्वारा उसको पहुंचाना। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है, इसमें सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां नहीं के बराबर, मतलब इसमें क्या होता है कि इसको जो बिछाया जाता है, ठीक है, इसको बिछाने में बहुत इन्वेस्ट होता है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये एक बार बिछ जाता है, एक बार सेट हो जाता है, तो इसको लाने और ले जाने में जो खर्च आता है वो बिल्कुल ही शून्य के बराबर आता है, मतलब इसको लाने और ले जाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, परिवहन में देरी और हानियां नहीं के बराबर होती है, ठीक है, समझ में आया। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। गठबंधन क्या होता है, आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में लक्षित हो सकती है। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों के बीच उनके चुनाव की क्या होती, पूरी स्वतंत्रता होती है, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं, कि मतलब आपस में एकजुट होकर किसी सत्ता को चलाना ही क्या कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। तथा सरकार का गठन करती है जो गठबंधन सरकार का स्वरूप होती है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर किसी चुनाव को लड़ती हैं तो तथा सरकार का गठन करती हैं, ठीक है, तथा सरकार का जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर किसी चुनाव को लड़ती हैं, ठीक है, और सरकार का गठन करती हैं, उसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 23 नंबर पर, या तो ये करना है आप लोगों को या तो फिर ये करना। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं चार आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए, उसकी कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं। लोकतांत्रिक सरकार अधिकांश नीतियां जनता के हित में ही बनाती है। लोकतांत्रिक जो सरकार है ना, जो अपनी नीतियां हैं, ठीक है, जो भी अपनी नीतियां हैं वो जनता के हित में बनाती है, कि जो भी हम नीति बना रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा जनता का ही और जनता को ही लाभ हो। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब वो जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। एक सफल लोकतंत्र क्या होता है, एक सफल लोकतंत्र वही होता है जो जनता के ऊंचाइयों के उसको मतलब ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाने की कोशिश करता है और उसकी समस्याओं का, जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको मतलब हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और अगर हल नहीं भी कर पाता तो हल करने के हमेशा मतलब कोशिश पूरी प्रयत्न करता रहता है,
ठीक है। देश की जागरूक जनता ने सदैव ही शासन को बदला। जनता तभी तक लोकतंत्र को मानती है जब तक वह उनके हित में कार्य करती है। लोकतंत्र कैसे सफल होता है? यहां पर क्या होता है हमारे देश में कि जो सरकार है उसको कौन लाता है? उसको जनता ही लाती है, जनता ही लाती है ना, चुनाव के द्वारा जनता ही सरकार को लाती है। अगर जनता एकजुट हो जाए और कह दे कि हम इस सरकार को नहीं आने देंगे, तो जाहिर सी बात है वो उसको वोट नहीं देगी, उसका शासन नहीं बन पाएगा। तो जनता ही, हम अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं, जनता को ये राइट्स होता है कि वो अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुने। और जनता तब तक लोकतंत्र के हित में रहता है जब तक कि लोकतंत्र उसके हित के बारे में सोचता है। जिस दिन लोकतंत्र जनता के हित के बारे में सोचना बंद कर देगा, उस दिन जनता क्या करेगी? आक्रोश में आ जाएगी, जाहिर सी बात है ना, आ जाएगी उस दिन, और फिर उसका सरकार जो है, उसका जो शासन है, वो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाएगा। जनता जागरूक होने से लोकतांत्रिक सरकारों को समय समय पर उनके गुण दोष पता चलते रहते हैं, जो लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जैसे जो जनता है, ठीक है, जनता पहले जनता इतनी जागरूक नहीं थी। पहले आप लोग देखते थे वोटिंग होती थी, लोग अपने घरों में से निकल के वोट के लिए नहीं जाते थे, भले ही बगल में बूथ पर ही हो रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जाते थे, क्योंकि पहले के लोग बेटा जागरूक नहीं थे, उनको हर चीज का नॉलेज नहीं था। लेकिन आप देखोगे कि चुनाव आने से 6 महीने पहले ही लोगों को जागरूक किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा नुक्कड़ नाटक करवाए जाते हैं, है ना, नुक्कड़ नाटक करवाए जाते हैं हर स्कूलों से। आप लोग देखोगे कि स्कूलों से जगह जगह पर क्या किया जाता है, जगह जगह से स्कूलों से भी रैलियां निकाली जाती हैं, किसके लिए? चुनाव के लिए। हर स्कूल वाले अपने, आप लोगों को भी स्कूल में होता होगा कि हर स्कूल वाले मतलब जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक करवाते हैं या तो फिर रैलियां निकलवाते हैं, जिससे जनता ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके, क्योंकि वो क्या है, जनता के अपने राइट्स हैं, और हमेशा अपने राइट्स से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, तो फटाफट थम दे के बताते रहिए। फिर आ जाता है हमारा इसमें, देखिए या तो ये करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है ये ना, नहीं 23 है, 23 पे है। फिर यहां पर है तृतीयक क्षेत्रक, ये 24 है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न कैसे है? उदाहरण व्याख्या कीजिए, इसका उदाहरण देखकर व्याख्या करना है कि जो हमारे सेक्टर है ना, 3 सेक्टर है मैंने बताया है, प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक वो होता है जो मतलब नेचुरल चीजें होती है, जो कृषि पे पूरे डिपेंडेंट होता है, वो क्या होता है? प्राथमिक। और कृषि से जो चीजें आती हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, उसका विनिर्माण किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन करके किसी वस्तु को बनाया जाता है, वो क्या आ गया? द्वितीयक क्षेत्रक में। और तृतीयक क्षेत्रक क्या हो गए? इसको हम सेवा भाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई डिजाइनर है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमारी सेवा करते हैं, सेवा करना मतलब मेरे, हम लोग के सर पे तेल नहीं रखते हैं, ठीक है, कि सर पे तेल रखे खूब दबाएं वो हो गया सेवा, वो सेवा नहीं हो गया। इट मीन्स जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करता है, उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर को? उसके बदले में हम लोग डॉक्टर को पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, फीस देते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से हमारा सेवा करना हो गया। अगर हम किसी टीचर के पास जाते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी सेवा कर रहे हैं, मतलब हमें ज्ञान दे रहे हैं, इनडायरेक्टली वो हमें सेवा कर रहे हैं, और सेवा के बदले में हम उनको क्या कर रहे हैं? पेमेंट दे रहे हैं, उनकी फीस दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया बेटा? वो तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इन्हें बाजार में, और ये भी है, ये भी है, और ये प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक में, और कपास के रेशे से वस्त्र तैयार करना क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्रक में। मैंने अभी उसको भी एक्सप्लेन किया है ना कि कपास क्या है, कपास प्राथमिक क्षेत्रक है। कपास से अगर हम सूती वस्त्र बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? वे द्वितीयक
द्वितीयक क्षेत्रक में हो गया और लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन्हें ट्रकों व अन्य परिवहन माध्यमों से थोक बाजार तथा खुदरा दुकानों तक पहुंचाया जाता। वो क्या हो गया? वो तृतीयक क्षेत्रक में हो गया। ठीक है, जो माल तैयार है उसको बाहर भेजना तृतीयक क्षेत्रक में हो गया। जितने भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, ये सब जो हमारी सेवाएं जो हमें प्रदान करते हैं वो लोग तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। ये है ना, उदाहरण के लिए जैसे तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को मानसिक क्षमता की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे शिक्षक, वकील आदि। लेकिन प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम की तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है बेटा? तृतीयक क्षेत्रक में मानसिक चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? अगर हम टीचर के पास बैठ रहे हैं तो वहां पे क्या होता है? हमारा माइंड वो होता है ना, हमारा जो हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता, ठीक है। और जब हम प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पर हम फिजिकली वर्क करते हैं। मतलब अब जब खेतों में काम करना है तो वहां दिमाग तो लगाना नहीं रहेगा, वहां हाथ से काम करना रहेगा ना। और अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां भी फिजिकली ही यूज किया जाता है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा तृतीयक क्षेत्र अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब होता है दो देशों को आपस में जोड़ना। ठीक है, मैं बार बार यही बताई हूं कि वैश्वीकरण मीन्स होता है देशों को आपस में जोड़ना। ठीक है, कि जैसे अब वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है कि जो व्यापार है ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। और वैश्वीकरण में लोग सिर्फ अपने ही नहीं चलकर आए, अपने संस्कृति को, अपने विचारों को, सबका आदान प्रदान किए। ठीक है, सेवाओं का अगर हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास को ले सकते हैं, वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर व इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 तक। हमारा क्या हो गया कि लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, और लघु उत्तरी प्रश्न के आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग उसको एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। मैं वैसे समझा दी हूँ, एक बार रीड कर लोगे तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा वर्णात्मक टू। इसमें मैं बताई 150 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी गिरमिटिया मजदूरों ने शेष विश्व में अपनी सांस्कृतिक पहचान किस प्रकार बनाई रखी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलनों की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ये दोनों ही क्वेश्चन जो लॉन्ग क्लास हुआ था इसका, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की उस क्लास में आप लोग देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर करवाए गए हैं। फिर है भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई चार उपाय लिखिए। भू संसाधन, भू संसाधन मतलब क्या होता है कि हम लोग भूमि पर ही रहते हैं। ठीक है, भूमि का ही प्रयोग करते, रहने के लिए, सोने के लिए, व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए, तो ये सारी चीजों का प्रयोग हम भूमि पर ही करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है भारत में ये करो या ये करो। भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयों का वर्णन करो कि भारत में जितनी भी लौह उत्पादक इकाइयां हैं उनका वर्णन करना है। फिर है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। भारत में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी हमारा जो समाज है वो बहुत मतलब प्राचीन काल से ही, शुरू से ही महिलाओं में क्या होता है, भेदभाव करता है। कि अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर महिलाएं और पुरुष, ठीक है, एक जगह एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, सेम समय पे कर रहे हैं, सेम मतलब सारी चीजें सेम है कि 6-8 घंटे एक महिला भी काम कर रही है, 8 घंटे एक पुरुष भी काम कर रहा है, जो काम महिला कर रही है वही काम पुरुष कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या होता है, सैलरी जो होता है वो महिलाओं को कम दिया जाता है और पुरुषों को क्या किया जाता है, ज्यादा दिया जाता है। क्यों? वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हम जो है लिंगानुपात करने लगते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये पुरुष है और ये महिला है। ठीक है, और आज भी आप लोग देखते होंगे कि अगर घर में बेटा होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बेटी होती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं।
यहाँ एजुकेशन के सेक्टर में भी देख लेते हैं कि अगर बेटा और बेटी एक जगह पढ़ते हैं, अगर घर में कोई रीजन हो जाता है, ठीक है, अगर घर में कोई रीजन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेटे को पढ़ाया जाएगा, उसकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखी जाएगी, लेकिन जो बेटी है उसकी पढ़ाई को बीच में ही स्टॉप कर दिया जाता है। आज भी ये हमारे समाज में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और रूरल एरिया में ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, शहरों में तो ये बहुत कम है, रेयर केस में देखने को मिलता है, बट जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आज भी ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे समाज में देखने को मिलती हैं कि घर का काम कौन करेगा, घर का काम घर की महिलाएं करेंगी, पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, भले ही पुरुष बाहर जाके होटलों में खाना बनाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, बाहर करेंगे, लेकिन वही काम वो घर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि घर में उनको क्या रहता है कि नहीं हम तो पुरुष हैं, लेकिन बाहर में वही काम के बदले उनको क्या दिया जाता है, उसी काम के बदले उनको सैलरी दिया जाता है, इसलिए वो काम वो बाहर करेंगे लेकिन घर के अंदर वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों की देखरेख करना हो, कुछ भी करना है, वो महिलाएं करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे। तो ये है बेटा भेदभाव, ठीक है। किन्हीं पांच परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा है, ठीक है, जहां पर लोकतंत्र असफल रहा है वो कौन कौन से पांच परिणाम हैं? वो पांच परिणाम हैं, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार था, आवश्यकताओं पर कम ध्यान देना, ठीक है, आवश्यकताओं पर कम ध्यान देना, आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, कि जैसे गरीबी में भी कमी थी जिस पर लोकतंत्र असफल रहा है कि गरीबी भी बहुत ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है, भ्रष्टाचार युक्त शासन व्यवस्था, और क्या था, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है, सामाजिक असमानता में कमी, कि समाज में जो है वो भेदभाव की भावना आती थी, समाज में असमानता की भावना थी, तो वो सारे क्या थे, वो सारा था लोकतंत्र के असफल होने के परिणाम। फिर है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतया इसमें किस घटकों को सम्मिलित किया जाता है, ये विकास की अवधारणा को यहाँ पर बताना है। फिर है विदेश व्यापार से क्या आशय है, इनके किन्हीं तीन लाभों का वर्णन कीजिए। विदेश व्यापार जो देशों के मध्य होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विदेशी व्यापार करते हैं कहते हैं। यहाँ पर लाभ क्या होता है बेटा, तीन लाभ बताना है जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं, ठीक है, जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो क्या होता है, हमारे बीच में जो एकता है उसकी भावना का बहुत ज्यादा विकास होता है, है ना, कि हमारे जो एकता की भावना जो है बहुत विकसित होती है, हम बहुत मेलजोल के साथ काम करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमें बढ़ावा मिलता है। अगर हम विदेशों में व्यापार करते हैं तो यही होता है ना कि हमको अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और उसका प्रॉफिट किसको होता है, उसका प्रॉफिट भी हम ज्यादा मात्रा में अर्न कर सकते हैं। तो या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। यहां से आ जाता है बेटा आप लोगों का मैप का वर्क, ठीक है, यहां से आप लोगों का आ जाता है मैप का वर्क, ठीक है, यहां पर आधा आधा नंबर आप लोगों को है, आधा नंबर आपको क्वेश्चन पर है, आधा नंबर आपको मैप भरने पर है। जैसे है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, कहां पर हुआ था नील की खेती करने के लिए आंदोलन, कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था ना, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन वन डाल के ऐसे लिखोगे चंपारण, ठीक है, क्या लिखोगे, चंपारण, ठीक है, चंपारण कहाँ है, चंपारण है बिहार में, ठीक है, चंपारण कहाँ है बिहार में, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वह भी स्थान आप लोग बताओगे। फिर वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर क नंबर डाल के ख नंबर डाल के उसको करते रहोगे। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहां हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, बताइए भाई फटाफट बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, हुआ था
अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो जो हमारा मैप रहेगा, ठीक है, जो हमारा मैप रहेगा उसमें हम अमृतसर फिल करेंगे। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जहां हुआ था, कहां पर हुआ था, वो स्थान बताना है। और हर क ख ग घ कितना है? 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 करके उसका आंसर लिखना है और हर आंसर को मैप में फिल करना है। ठीक है, मैं मैप भी भरना आप लोगों को बता दूंगी। और ये है गेहूं का, अब ये आ जाता है भूगोल से, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये चिन्ह बताना है। ठीक है, जब हम गेहूं का उत्पादक राज्य भरेंगे तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे कि कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब भरेंगे, वहां पर ऐसा साइन लगा देंगे। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये चिन्ह द्वारा बताना है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और जब हम कर्नाटक भरेंगे तो ये ऐसा साइन लगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा बताइए। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात को हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, आप लोग मतलब मूंगफली सिर्फ गुजरात में ही नहीं होती, और जगहों पे होती। जो आप लोगों को नाम याद आ जाए उस समय वो आप वहां पे फिल कर दीजिएगा, छोड़ के मत आइएगा। एग्जिट पता रहेगा तो वो और अच्छी बात है। उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, ये चिन्ह द्वारा, जो टर्मिनल स्टेशन है उसको ये चिन्ह से दर्शाना है। खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य, खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य है मुंबई हाय, तो ये ऐसे भरना है। ठीक है, तो ये जो मैप आप लोगों को फिल करोगे स्कूल से, आप लोगों को मैप मिलेगा। ठीक है, दो मैप, आई थिंक दो मैप मिलता है। ठीक है, एक हिस्ट्री के लिए मिलता है और एक इसके लिए शायद भूगोल के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भूगोल को ऐसे ही, ये जो साइन मिला है इस साइन के अकॉर्डिंग इसको फिल करोगे। ठीक है, तो आई होप बेटा समझ में आ गया होगा सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से। अगर जहां पर भी जो भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कहां पर क्या चीजें नहीं समझ में आई होंगी। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सारे बच्चे इसको एक बार, जितने भी आंसर दिया हुआ है उसको एक बार आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि पता है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में हम लोग हेजिटेशन की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीजें आती रहती हैं, माइंड से स्किप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, चीजें आती हैं। ठीक है, चीजें आती हैं। आप लोग इतने दिन पढ़े हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को नहीं आता, सब कुछ आप लोग को आता है और बहुत अच्छे से आता है। लेकिन होता है ना, एग्जाम का नाम ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोग भी डर जाते हैं, तो चीजें भूल जाती है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग डेली जैसे क्लासेस चल रहे हैं, बस आप लोग डेली प्रॉपर वे में बैठ के क्लास को अटेंड किया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चीजें आप लोग भूल रहे हो वो भी आप लोग को याद आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि मॉडल पेपर क्यों सॉल्व करवाया जा रहा है, इसीलिए कि आपके जो भी डाउट थोड़े बहुत बचे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए पढ़ने के लिए अभी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।